इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल केस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुतफरिक दरखास्त काबिले समाअत करार दे दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ ने अपील के दौरान इजाफी शवाहिद का जायजा लेने की मुतफरिक दरख्वास्त दी। अदालती हुक्मनामे में जज वीडियो स्कैंडल के हवाले से नवाज शरीफ की मुतफरिक दरख्वास्त को काबिले समाअत करार दिया गया और नैब को नोटिस जारी करते हुए 14 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत दी गई। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि केस की पेपर बुक्स की तैयारी हो चुकी, फरीकैन ने कॉपियां हासिल कर ली, केस मजीद 2 हफ्ते के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा।